सद्गुरु कबीर की एक बहुत ही प्यारी सी पंक्ति है। सुभागे कई कारण लोभ लागे, रतन जन्म खोयो। आगे है पूर्वल जन्म भूमि कारण बीज का है बोयो। वो सब बातें नहीं, प्रारंभ में ये बात बहुत अच्छी लगती है। आज यहाँ सुबह के सत्संग के बाद गया तो अचानक ये पंक्ति दिमाग में आ गई। सुभागे कई कारण लोभ लागे, रतन जन्म खोयो। सदगुरु कहते हैं कि कितना तुम भाग्यशाली हो। सुभागे ये संबोधन ही करते हैं। कई जगह संबोधन उनका अलग-अलग होता ही है, लेकिन यहां पर शुरू में क्या कहते हैं, बड़े सौभाग्यशाली हो। सौभाग्य इसलिए है कि यहां वह सब कुछ कर सकते हो जो सचमुच आप जीवन में चाहते हो। अन्य प्राणियों में यह क्षमता नहीं है, और भी जीवधारी हैं, उनमें भी इंद्रियां हैं, वे भी अपना जीवन गुजर के लिए कार्य व्यवहार करते हैं, प्रजनन करते हैं, लेकिन मनुष्य कुछ और है। मनुष्य भी उदर पोषण करता है, जीवन गुजर के लिए काम करता है, प्रजनन करता है, अपने सरीखे और भी संतति पैदा करता है। ये बात ठीक है, लेकिन ये सामान्य धरातल से उठ करके और ऊंचाई पर जा सकता है और कर सकता है। जो सचमुच जीवन पाने का जो अर्थ है, जीवन की जो सार्थकता जिसमें निहित है, वह काम कर सकता है, वह काम कर सकता है, इसलिए सौभाग्यशाली है। और सबसे बड़ा सौभाग्य क्या है हम लोगों को, बोलने सोचने की क्षमता है, निर्णय लेने की क्षमता है, मन चाहा रास्ता चुनने की क्षमता है। हम जब चाहें अपने रास्ते में परिवर्तन कर सकते हैं, कितनी बड़ी बात है ये। जब चाहें अपने रास्ते को बदल करके एक नए ढंग से जीवन की शुरुआत कर सकते हैं, ये सौभाग्य है। लेकिन साहब ये भी कहते हैं, सुभागे कई कारण लोभ लागे, रतन जन्म खोयो। लोभ लग गया, लोभ क्या लग गया, प्राणी और पदार्थों को देख करके इससे सुख के का लोभ। और हम लोग पढ़े हैं, पाप का बाप क्या है, लोभ है ना, पाप का बाप लोभ है। और इस लोभ में पड़कर ऐसे ऐसे कर्म हम कर डालते हैं, ऐसी गलतियां कर बैठते हैं कि वह सौभाग्य जो है दुर्भाग्य में बदल जाता है, सौभाग्य नहीं रह जाता है। साहब कहते हैं कि रतन जन्म खोयो, रतन रत्न के समान मूल्यवान जीवन मिला, खो दिए। बहुत पुरानी कहानी मैं आज दोहराना चाहता हूं। एक मांझी मछुआरा सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग जाल लेकर
नदी के तट पहुंचा। अंधेरा था, उसका पैर टकराया, नीचे देखा, पत्थरों से भरा हुआ एक थैला था। जाल रख दिया, क्योंकि सूर्य अभी उगा नहीं था, प्रकाश नहीं था। मन में था कि प्रकाश हो, जाल फेंकूं और मछलियां पकड़ूं, तो थोड़ा समय था। और पत्थरों से भरा थैला था, थैले से एक पत्थर निकालता और फेंकता ऐसे नदी में, शांत नदी। उस शांत नदी में पत्थर फेंकने से एक आवाज आती छपाक की, वो आवाज उसको बहुत प्रिय लगने लगी। बस फिर एक पत्थर निकालता, फिर फेंकता, फिर निकालता, फिर वो आवाज आती। खास तो उनको समय स्पान करना था, समय व्यतीत करना था। और ऐसा करते करते सूर्य तो बस निकल ही रहा था, सूर्य की रोशनी आभा मंडल पूरब की ओर चमकने लगी थी। और पहली किरण जब सूरज की आई तो वो पत्थर उठाया और जैसे ही फेंकने के लिए सामने किया तो उसकी नजर पड़ गई उसमें, पत्थर में। और जैसे पत्थर में नजर पड़ी तो मानो उनका श्वास रुका, दिल की धड़कन एकदम जैसे थम गई। हैरान, क्या हो गया, रोने और चिल्लाने लगा। वह कोई सामान्य पत्थर नहीं था, वह हीरा था। उसने कहा, मेरे पास इतनी संपत्ति थी कि मैं अनंत जन्मों तक आराम की जिंदगी, कई पीढ़ियां मेरी इसमें आराम की जिंदगी सी, इसको इसे अमन चैन की जिंदगी जी सकता था, और मैंने सब फेंक दिया। ये सारा रतन, सारा धन मैंने अंधेरे में फेंकते चला गया, लेकिन मैं समझता हूं फिर भी वो सौभाग्यशाली था माझी, क्योंकि अंतिम पत्थर बाकी रह गया था, वो हीरा अंतिम बाकी रह गया था, प्रकाश हो गया था। हम में से तो बहुत लोग हैं जिनके जीवन में सूरज निकलता ही नहीं है, रोशनी आती ही नहीं है, कि हम अपने जीवन में जो संपदा छिपी है उस संपदा को उघाड़ के देख ले और फेंकते चले जा रहे हैं, फेंकते चले जा रहे हैं। और कहां फेंकते चले जा रहे हैं, वहां जिसका जीवन में अर्थ नहीं है, उन बातों को, उन प्रश्नों को, उन चर्चाओं को हम करने में अपना समय लगाते हैं, अपनी शक्ति लगाते हैं, जिससे जीवन का कोई गहरा संबंध नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है कि जिससे जीवन का कोई अर्थ निकले, जीवन की गहराई में उतरे, उन छोटी छोटी बातों को लेकर के हम उलझे रहते हैं। और जिन बातों से जीवन में बहुत बड़ा अंतर होने वाला है, जिन चर्चाओं से जीवन में फर्क पड़ने वाला है, जीवन में सुरूपता और कुरूपता का अंतर होने वाला है, जीवन में स्वास्थ्य और विक्षिप्तता का इतना अंतर आ सकता है, और इन बातों की जब चर्चा होती है तो ऐसा भाव क्रिएट करते हैं हम, ऐसा भाव प्रकट होता है, हम जानते हैं, क्या कहते हैं, हम जानते हैं, लेकिन जीवन से उत्तर मिलता है हमें, कितना हम जानते हैं। हम लोगों के जीवन को देख करके ये सहज समझा जा सकता है हम कुछ नहीं जानते।
जीवन के संबंध में हम कुछ नहीं जानते, सही कहो तो, क्योंकि जीवन से जो उत्तर आ रहा है वो क्या आ रहा है, जो रीज खीज उत्तेजना अशांति जो जीवन से जो प्रकट हो रहा है ना, हमारा जीवन बता रहा है कि हम जीवन के बारे में अभी अनजान हैं, अनजान हैं। अब हम कहेंगे जीवन को कैसे नहीं जानेंगे, इतना लंबा समय से जी रहे हैं, 30 साल 40 साल 50 साल 60 साल हो गए, कितना अनुभव है, कितनी जानकारियां हैं, इतनी उपलब्धि है। केवल अनुभव का होना जीवन को जान लेना नहीं है। जैसे एक आदमी कार चलाता है, गाड़ी चलाता है, और गाड़ी वो हजारों मील से वो यात्रा करके आया हो, कई कई मील, हजारों मील वो गाड़ी चला के आया हो, और ये कहे मैं गाड़ी के बारे में जानता हूँ। गाड़ी का चलाना और गाड़ी के जो आंतरिक स्ट्रक्चर है ना, उस ढांचे के बारे में जानना बिल्कुल अलग चीज है। गाड़ी की जो व्यवस्था है ना, देखो ऊपर से चलाना ये बिल्कुल अलग चीज है, लेकिन अब गाड़ी की जो आंतरिक स्थिति है, उस संयंत्र है, उसके बारे में जानना कोई जरूरी नहीं कि वो जानता हो। जैसे एक आदमी बटन दबाए बिजली जल जाए, बटन दबाए बिजली बुझ जाए, और क्या कहे मैं बिजली के बारे में जानता हूं। अरे बटन दबा करके बिजली जलाना, बटन दबाकर बिजली बुझा देना, ये एक छोटा बच्चा कर सकता है, इसका मतलब नहीं है कि वो बिजली के बारे में जान रहा है, नहीं जान रहा है। ऐसे ही केवल हम जिंदा रह ले, खा पी ले, बस जीवन को बिताते चले और समझे कि जीवन को हम जान लिए हैं, बड़ी मुश्किल से समझ, बड़ी मुश्किल से यह समझ में आती है कि मैं ना समझ हूं, बड़ी मुश्किल से यह समझ में आती है कि मैं ना समझ हूं। हम क्या मानते हैं, मैं समझदार हूं, समझदार हैं तो जीवन से परिणाम झलकना चाहिए, परिणाम झलकना चाहिए, नहीं आता है। साहब कहते हैं रतन जन्म खोयो, इतनी संपदा भरी है, इसमें आनंद है, शांति है, सुख है, कितना ज्ञान का भंडार भरा है, इसको यदि कोई निकाल लिया जाए ना, इस संपदा को बाहर इसका कहीं अनावरण कर लिया जाए, बहुत बड़ी उपलब्धि हो सकती है। और उसको कहां फेंक रहे हैं, कहां फेंक रहे हैं, व्यर्थ लुटाए चले जा रहे हैं, व्यर्थ की बातों में। बहुत मूल्यवान है जीवन, इतना मूल्यवान है, इसका इतना पल पल का उपयोग करना चाहिए, हर पल जीवन को ऊंचा उठाने में लगाएं, प्रगति में लगाएं, उत्थान में लगाएं, तो ही जीवन का महत्व है। नदी अकड़ कर कुएं से बोली, जानते हो तुम्हारा औकात क्या है, मैं विशाल नदी, तुम बेचारा छोटा सा कुआं। कुएं ने हाथ जोड़कर कहा, बहन जी आप सही कहती हो, भटकाव और ठहराव में कुछ तो फर्क होगा। क्या कहता है कुआं, भटकाव और ठहराव में फर्क तो होगा ही, और फर्क क्या है, फर्क यह है तुम प्यासे के पास जाती हो और प्यासा मेरे पास आता है, तुम ऊपर से नीचे की ओर जाती हो और खारी हो जाती हो, और मैं
तुम ऊपर से नीचे की ओर जाती हो और खारी हो जाती हो, और मैं नीचे से ऊपर आता हूं और मीठा हो जाता हूं। नीचे से ऊपर आना है बंधुओं, मीठा होना है। ऐसा ना हो कि हम ऊपर से नीचे की ओर ढलान में जाएं और खारे वो नियम है, वही होगा। जब ऊपर से नीचे की ओर जाओगे तो खारे तो होना ही है, कोई पसंद नहीं करेगा। लेकिन ऊपर से नीचे की ओर जाएंगे, क्षमा करें, नीचे से ऊपर की ओर जाएंगे तो क्या होगा, मिठास बढ़ती चली जाएगी। इतना महत्वपूर्ण जीवन है यह। जिस दिन जीवन के संबंध में हम जानने लग जाएंगे, ये पल पल का दोहन करेंगे, ऐसा लगेगा मैंने जीवन को कैसे बर्बाद किया है। अभी मैं थोड़ी देर पहले ही सुन रहा था, एक वक्ता बोल रहे थे, उज्जवल पाटनी, कई लोग बताए, अभी कुछ दिन पहले एक एक्टर मरा, कोई मुसलमान था, हाँ, उन्होंने कहा कि मैं यदि जिंदा रह गया तो अपनी पत्नी को ज्यादा समय दूंगा। और मनीषा कोइराला कोई है, एक्ट्रेस, कैंसर से शायद पीड़ित रही, अब मुझे पता नहीं था, उनसे सुना, उन्होंने क्या कहा, यदि मैं, जब वो बाहर आई कैंसर से, मैं अब वह गलती नहीं करूंगी जो जीवन में मैंने पहले की है। क्या कह रही है, अब उन सारी गलतियों से मैं तौबा करूंगी जो मैंने गलती की थी। और एक किसी और एक्ट्रेस को बताई, वो भी इसी प्रकार कैंसर से बाहर आई, उनका कहना था, बंधुओं, जीवन में बदलाव के लिए किसी कैंसर का इंतजार मत करिए, मौत का इंतजार मत करिए, कोरोना का इंतजार मत करिए, आप जिसको चाहते हैं कि इनसे मुझे क्षमा मांगनी है, मांग लो, जिनके लिए लगता है कि इनको मुझे क्षमा करनी है, कर लो। लड़ाई झगड़ा के लिए जीवन मिला है, राग द्वेष के लिए जीवन मिला है, संघर्ष के लिए जीवन मिला है, परम शांति के अनुभव के लिए जीवन मिला है। रतन जन्म खोयो, क्या महत्वपूर्ण पंक्ति सदगुरु कहते हैं, सुभागे के ही कारण लोभ लागे, ऐसा भाग्यशाली, क्या लोभ लग गया तुम्हें, क्या पा जाओगे, क्या इकट्ठा कर ले जाओगे, क्या पाए हो आखिर में, वही पाए हो आज तक जिसको यहीं छोड़कर जाओगे, और जो साथ में चलने वाला है उस संपदा का ख्याल ही नहीं किए है, रतन जन्म उसको बल्कि खो दिए। जीवन का हिसाब जिस दिन मिलेगा ना, कुछ और होगा। ये उदाहरण मैं दिया कई बार, संत एकनाथ अपने गुरु आश्रम में विद्या अर्जन के लिए गए, छोटे थे, बचपने में गए थे विद्या अर्जन के लिए, गुरु जी के यहां रहे, तो गुरु जी ने उनका एक छोटा सा काम दे दिया, हिसाब किताब का, हिसाब किताब करना, आए गए, एक आजकल मैं कहूं डे बुक दे दिए और लिखना पैसा कितना गया, खर्चा कितना हुआ, बराबर हिसाब रखना, ठीक है। वो क्या करता था, एक दिन रात में 9 बज गए, 10 बज गए, हिसाब मिल नहीं रहा था, एक पैसे का हिसाब मिल नहीं रहा था, ढूंढ रहा था, हिसाब मिल नहीं रहा है, अब बिना हिसाब मिला कैसे वो सो जाए। ऐसा करते करते 12 बज गए, रात 1-2 बज गए, 3 बज गए, 3 बजे अचानक उसके दिमाग में कहता, ओफ, ये खर्चा तो लिखा ही नहीं गया है, एक पैसे जो खर्चा हुआ उसको लिखा ही नहीं गया है। और जैसे उसके दिमाग में आया कि ये लिखा नहीं गया, और जैसे ख्याल है कि ये मिला, जैसे जोर से चिल्ला पड़ा, मिल गया, ऐसे अब मिल गया। अब बाजू में उनके गुरु जी सोए थे, वो ध्यान में बैठे थे, वो आए, बेटा क्या मिल गया तुम्हें? अब बड़े संकोच में, गुरु जी क्या बताएं, अरे एक पैसे के हिसाब नहीं मिल रहा था,
अब वो लिखना भूल गया था और जैसे ही पता चला, पता नहीं मेरे भीतर से निकल गया, मिल गया ऐसे कह करके। गुरुजी ने कहा, बेटा एक पैसे का हिसाब मिला, तुम्हें कितनी खुशी हुई, और जिस दिन तुम्हें अपने जीवन का हिसाब मिल जाएगा ना, जिस दिन तुम जीवन का हिसाब कर लोगे ना, उस दिन देखना जीवन की क्या दशा होगी, उस दिन क्या होगा। अभी तो रतन जन्म खोयो, अभी क्या कह रहे हैं, रतन जन्म खोयो, ये रतन के समान जो समय मिला है उसे खोए चले जा रहे हैं। हमारा पल पल का कर्म हमारे जीवन को निर्मित करता है, हमारी सोच, हमारे शब्द, हमारे एक्टिविटी जो भी है हमारे जीवन के स्ट्रक्चर को बना रहा है। और फिर ये जो परिणाम आएगा ना इसके बाद में जीवन में, इसे हम चाहे जितनी मेहनत करें और जितना बहाना बनाएं, परिणाम से बच नहीं पाएंगे। चाहे वह गलत का परिणाम हो, चाहे वो अच्छे का परिणाम हो। कबीर की पंक्ति है ना, आपन कर्म न मेटो जाई, क्या कहा उन्होंने, आपन कर्म न मेटो जाई, अपना कर्म मिटा नहीं सकते हो, बहाना बनाने से मिटा लोगे, दूसरों को धोखा देकर मिटा लोगे। दूसरों को धोखा क्या देगो, अपने को धोखा दोगे तुम। ख्याल आया, एक चोर रात्रि में एक दुकानदार के यहां घुसा खिड़की के रास्ते से। अब जैसे वो खिड़की पर पैर रखा, खिड़की धड़ाम से नीचे गिर गई, उसके पैर टूट गए, पकड़ा गया, जज के सामने उपस्थित हुआ, कहा कि तुमने चोरी की। चोर ने कहा, हुजूर मैंने जो चोरी की है ना, इसकी सजा मैं भुगतने को तैयार हूं, लेकिन मेरा पैर टूट गया, इसका मुझे मुआवजा मिलना चाहिए, इसका मुझे क्या मुआवजा मिलना चाहिए। उन्होंने कहा, जज ने कहा, बात तो सही है, बुलाओ दुकानदार को। पकड़ के लाए गए दुकानदार। दुकानदार ने कहा, हुजूर मेरी क्या गलती है, अभी तो कुछ दिन पहले ही बढ़ई को बुलवा के बनवाया हूं, यदि गलती है तो बढ़ई की है। बिल्कुल सही है, बढ़ई को पकड़ के लाया गया। हुजूर मैं अभी कुछ दिन पहले खिड़की को बना रहा था, अब मेरी गलती नहीं है, मैं जब जोड़ बैठा रहा था उसी समय रास्ते से एक औरत निकली, बहुत सुंदर, अब उधर मेरी नजर पड़ी गई, अब उस औरत के देखने में जो जोड़ लगना चाहिए ना, वो जोड़ ठीक से बैठा नहीं और खिड़की ठीक से नहीं बैठी, अब गलती मेरी नहीं, उस औरत की है। अच्छा, औरत को पकड़े भाई, औरत को पकड़ लाया गया। औरत ने कहा, उस महिला ने कहा कि हुजूर मैं तो सामान्य औरत हूं, सामान्य स्त्री हूं, उस दिन मेरे पति ना बहुत सुंदर साड़ी लाए थे, जब उस साड़ी को पहन के निकली तो जो भी देखता मेरी ओर देखने लग जाता था, अब मेरी गलती नहीं है, ये तो साड़ी लाने वाले मेरे पति है, मेरी गलती थोड़ी है। अच्छा तो भाई कहाँ है, अब उस स्त्री के पति को खोजने में देर नहीं लगी, वो उसी, वो जो चोर था ना उसी की पत्नी थी, वो जो चोर था ना उसी की पत्नी थी, अब मुआवजा किससे लोगे, कहाँ जाओगे कर्म करके। हम क्या समझ रहे हैं, गलत कर्म करेंगे और बहाना बना के बच जाएंगे। किससे बहाना बनाओगे, अपने से, भीतर जो परमात्मा बैठा है उससे। धोखा नहीं दे सकते, नहीं दे सकते किसी को। ठीक, उल्टा उदाहरण भी बता दूं, अच्छा करोगे तो उसका ही परिणाम आगे भी ध्यान दीजिए, ऐसा नहीं है कि अच्छा करने का परिणाम नहीं आएगा, आपको पता नहीं चलेगा कि कैसे परिणाम आता है। एक फ्रीजर प्लांट था, ठंडा, जहां पर एक प्लांट होता है, जहां पर जो जैसे आलू रखते हैं उसे क्या कहते हैं, कोल्ड स्टोर कह लो, चलो आप क्या कह रहे हैं,
बर्फ फैक्ट्री समझ लो, ठीक है, बर्फ फैक्ट्री का लो, या फीजर प्लांट वो जो ऐसा था, तो वो एक इंजीनियर था। शाम का समय था, सब छुट्टी का समय हो गया था, और कुछ तकनीकी गड़बड़ी हो गई। अब वो काम करने लगा, काम कर रहा था, काम कर रहा था। अब समय बीतता चला गया, लाइट बुझा दी गई, फाटक दरवाजा सील कर दिया गया। अब तो कुछ सुनने वाला नहीं है। अब न तो हवा, न तो गर्मी। अब उसको उसी फीजर प्लांट में उसको बर्फ की कब्रगाह बनना था, ये तय हो गया। क्योंकि अब अगले दिन ड्यूटी में जब लोग आएंगे तब वो खोलेंगे। 1 घंटा बीत गया, इतने में कुछ खटखट की आवाज आई। ऐसा लगा जैसे कोई चमत्कार हो गया। सिक्योरिटी गार्ड है ना, वो आया, दरवाजा खोला और टार्च जलाकर देखा और उसको निकाला, निकलने में सहयोग किया। और जब निकल करके आया बाहर, जब जाने लगा रास्ते में, तो उसने क्या पूछा, आपको कैसे पता चला कि मैं अंदर हूं? कहा, सर इस फीजर प्लांट में 50 लोग काम करते हैं, लेकिन आप ही एक ऐसे शख्स हैं, जब आते हैं ना तो मुझे हेलो कहते हैं, और जब जाते हैं ना तो क्या कहते हैं, बाय। आज जब आप सुबह आए तो हेलो तो कहे, लेकिन जाते समय आपने कुछ कहा नहीं, मुझे नहीं लगा कि आप गए होंगे, और मैं आपको ढूंढते हुए यहां तक आ गया। क्या कहा? ढूंढते हुए आ गया। उनको पता भी नहीं रहा होगा कि मैं किसी को हेलो और बाय कह देता हूं, इतना बड़ा परिणाम मेरे जीवन में आएगा, जीवन रक्षक हो जाएगा। बंधुओं, जब रास्ते में जो मिलते हैं ना, उसको हाय हेलो करते चलिए, सबके साथ। वही कहते हैं ना, ज्योति से ज्योति जलाते और प्रेम की गंगा, और नहीं करोगे तो जानते हो, रतन जन्म खोयो। साहब क्या कहते हैं, रतन जन्म को खो रहे हो, अच्छा कर्म कर लो, जीवन मूल्यवान है, इसका सही उपयोग करके जीवन को कल्याणमय बनाओ। सदगुरु की ये पंक्ति बहुत प्यारी पंक्ति आज सुबह से ही दिमाग में कई बार आती थी। ये सुभागे कई कारण लोभ लागे, रतन जन्म खोयो।